गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यह थर्ड पार्ट आगरवाड़ी ब्लॉग का। तो अब हम जा रहे हैं घूमने ताजमहल, और आते आते घर पे आते आते जा रहे हैं राधा मंदिर में। तो इसमें देखना ताजमहल और राधा मंदिर का व्यू। तो लोग को करते हैं शुरू। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम ताजमहल की पार्किंग में आ गए हैं कार खड़ी करके। तो चलो चलते हैं अब ताजमहल में। तो चलो भाई देखो, ये ताजमहल जाने का रास्ता है 700 मीटर दूर है यहाँ से। हम चल रहे हैं पैदल पैदल। भाई जी हाँ, से लेनी है टिकट उसकी ताजमहल की, तो लेके आ रहे हैं। तो गाइस टिकट ले ली है। ज्यादा भीड़ है यार बाहर तक, वहां पर चल रही है चेकिंग, और कितनी भीड़ है यहाँ तक है। एंट्री तो कर ली है अंदर, तो चलो चलते हैं। चेकिंग हो गई है, टिकट तो ले ली है, तो चलो। पहुंच गए हैं ताजमहल में। तो मस्त होगा। इसकी इतना बड़ा द्वार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। और जाने का इतना है, और द्वार कितना बड़ा बना रखा है। चलो चलते हैं अंदर, चलो चलते हैं अंदर। ये छोटा सा गेट है, मस्त। ये रहा सामने ताजमहल, ये गेट जाने का अंदर। तो गाइस आ गए हैं ताजमहल के बाहर। तो देखो कितना मस्त लग रहा है। जा रहे हैं ताजमहल के पास यार, मस्त लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। देखो गाइस ताजमहल के बिल्कुल पास आ गए हैं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है यार। अल्टीमेट गाइस ये है साइड व्यू ताजमहल का, साइड व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। गाइज ये यमुना नदी, ये ताजमहल, ये यमुना नदी, इसके पीछे ये देखो। जब टच करते हैं ताजमहल को, फाइनली कर लिया, पत्थर है। एक चेयर तो देखो ऐसा कुछ लग रहा है ताजमहल। ये सामने ये है। तो यहाँ पर फॉरनर ले रहे हैं गाइड से इसके बारे में जानकारी, ताजमहल के बारे में कब बना था, कैसे बना था। ये देखो टकली पे क्या लगवा रखा है। देखो गाइस पानी चल रहा है यहाँ पर, मस्त लग रहा है ताजमहल। देखो कितना मस्त लग रहा है, मस्त घूम रहे हैं यहाँ पर। यो जा रहे हैं वापस यार, थक गए बहुत ज्यादा। तो चलो एग्जिट हो गया यहाँ से, तो चलो चलते हैं बाहर अब गाड़ी के पास, अपने के पास। बहुत थक गए यार घूमते घूमते, बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है। यहाँ से ले ली निशानी ताजमहल की पिक पानी में। तो चलो अब चलते हैं आराम से, इस पार्किंग में आ गए हैं। तो चलो चलते आगरा से निकलते यार, लेट हो गए आज, 3 बज गए। तो चलो, और खाना नहीं खाया अभी तक हमने, बस एक एक पेटीज खाई थी। चलो इस गाड़ी में बैठ लिया, चल पड़े यहाँ से। तो चलो गाइस ये गेमिंग जोन। रास्ते में मिल गया हमें राधा रानी का मंदिर, तो हम दर्शन करके आ रहे हैं। तो चलो बरसाने आए हैं राधा रानी के दर्शन करने। चलो मस्त जी राधा रानी का मंदिर,
देखो ऊपर से ऐसा दर्शन करते हैं राधा रानी के। चलो जय राधा रानी, राधे राधे, जय राधा रानी, जय कृष्ण भगवान की जय हो, जय राधा रानी। जी है मानसरोवर। क्या मक्स पक्षियों की आवाज आ रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। क्या तो इसको पानी से हटते तो लेते हैं, बढ़िया सर पे डाल लेते हैं, मस्त तो अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं, दर्शन कर लिए मानसरोवर के भी। जय भोलेनाथ, मस्त राधा रानी के भी दर्शन हो गए हैं, तो अब चलते हैं घर पे फाइनली। वैसे जब भी घर जाने की बात करते कोई ना कोई मंदिर हमें बुला ही लेता यार, तो चलो अब चलते हैं घर पे। राधा रानी के मस्त दर्शन हो गए हैं, वो आ रहा पीछे, बैठ लिए हैं सारे, तो चलो चलते हैं। ये यमुना नदी देखो क्या व्यू दिख रहा है यार, ऊपर से पुल के ऊपर से ये पुल है, यहाँ से हम जा रहे हैं और देखो कितना मस्त व्यू दिख रहा है ऊपर से, बहुत मस्त। देखो कितनी चौड़ी नदी है और अभी तो ये भरी नहीं हुई, जब ये भरती है ना तो भयंकर पानी आ जाता है। तो भाई जा रहे हैं आराम से यार घर पे, कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या खाई थी? एक पेटीज खाई थी यहाँ और कॉफी पी थी सुबह, तो चलो कुछ खा लेते हैं हाईवे पे चढ़ के। गाइस वृंदावन का ट्रैफिक देखो यार कितना ज्यादा हो रखा है, ये देखो पूरा लॉड। तो गाइस यहाँ पर आए खाना खाने, ये लिया कुरकुरा फ्रूटी चिप्स, तो ये ही खाएंगे यार घर पे जाके खाएंगे, रोटी तो मस्त मम्मी के हाथ की यार। तो गाइस चलो चलते हैं अब घर पे नॉन स्टॉप। चलो तो गाइस भिवानी 40 किलोमीटर रह गए यहाँ से, तो चल रहे हैं आराम आराम से। भिवानी पहुंच गए हैं, क्या टाइम हो गया, 10:07, तो सही टाइम पे पहुंच गए हैं 10:30 घर पे, तो चलो चलते हैं आराम से। तो घंटा घर आ गया है, देखो सही टाइम दिखा रही है 10:10। ये सरकारी अस्पताल, तो घूम के मजा आ गया यार, सब जगह घूम आए। तो गाइस घर पे तो पहुंच गए हैं, पापा देख रहे हैं मूवी, मम्मी अंदर है मेरा वेट कर रही है मस्त। तो गाइस मम्मी रोटी ले आई है, रोटी कढ़ी लस्सी और चटनी खाते हैं आराम से। तो गाइस घर का खाना खा के आ गया मजा, तो अब सोऊंगा यार, एडिट करूंगा, पहले तो एडिटिंग करूंगा फिर डालूंगा ब्लॉग, तो अब करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने चैनल को, और अपने चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।